Very good afternoon to all of you. This is Sona Sharma, your reasoning educator. I welcome you all in the official YouTube channel of Bankers Adda. I hope all of your good and your studies are going in right direction. Today we are going to do a one shot video. What is one shot? वन शॉट वीडियो में हम आपको वो सभी कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं मतलब आज हम करने वाले हैं अल्फा नुमैरिक सीरीज का वन शॉट वीडियो ये वीडियो आपको सालों साल काम आने वाला है अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एक्सपेरेंट है या किसी भी किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं सिर्फ बैंक सद्डा पे आना है और वन शॉट वीडियो देख लेना है उस चैप्टर का अगर आप सब चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो देख लेते हैं तो आप uh, मान के चलिए कि आपको इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं मिलने वाला है तो अगर आपको अपने बेस क्लियर करना है फॉर प्री एंड मीन्स तो आप यहाँ पे वन शॉट वीडियो में ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट होंगे वन शॉट वीडियो में हम प्री ही नहीं बल्कि मेंस भी क्लियर uh, कर रहे होते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट फिर उस पर करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन और उसके बाद हम मीन्स की भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा जैसे ही अगर आप लाइव जुड़े हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं आपको जैसे ही सेशन पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा एंड इस सेशन को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा थैंक यू अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल इसी के साथ मैं रीजनिंग रील्स भी कराती हूँ ये डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे आपका जो सेशन है चलता है ये बेसिकली प्रैक्टिस सेशन है रोज़ 12 बजे होता है दोपहर 12 बजे ओनली ऑन बैंक का सट्टा स्टार्ट करते हैं हमारे ऑल कॉन्सेप्ट इन वन वीडियो ऑल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस इन वन वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को अल्फा नुमेरिक सीरीज कैसी होती है कैसी दिखती है पहले मैं आपको वो दिखा दूँ तो यहाँ पे अल्फा नुमेरिक सीरीज कुछ ऐसी होती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक सीरीज दे रखी है इसे मैं मिक्सड सीरीज कहूँगी जिसमें अल्फाबेट भी हैं नंबर्स भी हैं और यहाँ पे सिम्बल्स भी हैं पर इससे पहले हमें कुछ कुछ छोटी चोड़ छोटी चीज़ें सीखनी होंगी इसी के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हाँ मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती जाऊंगी इस सेशन के बाहर से आपको अल्फरबैरिक सीरीज़ में कुछ नहीं मिलने वाला है जो भी है सारा इसी में से आएगा इसी को वो इधर उधर करके दे देंगे इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है हाँ सो थैंक यू थैंक यू एवरीवान फॉर योर विशेज़ थैंक यू चलिए ऑल कॉन्सेप्ट पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सीरीज़ की बात करती हूँ जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया जो सीरीज़ हमने बचपन से देखी है ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ तो चलिए अब मैं पहले सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ यहाँ पे मैंशन करती हूँ तो यहाँ पे क्या होती है हमारी सीरीज़ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ठीक है जब चैप्टर कराऊंगी तो मैं आपको यह भी बोलूंगी कि इन सभी की प्लेस वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए बट अभी अभी उस चीज से मैंने आपको राहत दी है ये मैंने आपको सीरीज दे अब मैं से आपको बोलती हूं फाइंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड या फिर थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड तो ये आप कैसे करेंगे फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होगा तो इसके लिए हमें पहले तो ये देखना होगा लेफ्ट हैंड और राइट right हैंड क्या होता है बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं इसलिए ये समझना भी जरूरी है लेफ्ट हैंड क्या होता है भाई मैं ऐसे क्वेश्चन कर रही हूँ सॉल्व तो मेरा लेफ्ट ये तो क्वेश्चन का लेफ्ट भी यही होगा मेरा राइट right ये तो क्वेश्चन का राइट right भी यही होगा मतलब ये हमारा होता है लेफ्ट एंड और इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे ए बैठा है लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज जबकि ये जो इस सीरीज में है एल ये हमारे राइट right एंड पे बैठे हैं तो इन्हें हम बोलेंगे एक्सट्रीम राइट एंड पे ये बैठे हैं समझ में आई बात ठीक है जब इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि लेफ्ट और राइट right क्या होता है ठीक है इतना क्लियर हुआ आगे चलते हैं आइए अब यहां पे मैं एक और सीरीज लिख रही हूं अगर मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए तो नंबर्स अगर मैं लिखूँ तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन

राइट right एंड पे हमारे बैठे हैं नाइन ठीक है ये बात तो आप समझ गई लेफ्ट और राइट पे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी रो का लेफ्ट हमेशा ये और राइट हमेशा ये होता है पजल सिटिंग अरेंजमेंट में ये बात थोड़ी चेंज कर दूंगी उसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो मैं अलग बताऊंगी लेकिन यहाँ पे आप कोई भी सीरीज हो जाए उसका लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड ये पहली चीज हुई क्लियर अब दूसरी चीज पे आते हैं दूसरी चीज अब हम ये जानेंगे अगर मैंने आपको बोला कि लेफ्ट एंड से फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है ठीक है लेफ्ट एंड से फिफ्थ तो क्या करेंगे आप काउंटिंग शुरू करेंगे सबसे पहले लेफ्ट एंड से फिफ्थ पूछा है मैंने ठीक है फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड क्या है काउंटिंग शुरू कीजिए लेफ्ट एंड ये है फोर फाइव फिफ्थ एलिमेंट राइट लेफ्ट हैंड से क्या हो गया हमारा सिक्स आंसर हो जाएगा सिक्स ठीक है अब बात आती है मैम ये एलिमेंट क्या है तो ये एलिमेंट क्या होता है अब उस पर आते हैं आपको यहाँ पे तीन से चार चीज़ बार बार देखने को मिलेगी एक एलिमेंट एक अल्फाबेट एक लेटर अल्फाबेट या लेटर में से कुछ भी यूज कर सकते हैं एक नंबर्स या फिर डिजिट इसी के साथ सिंबल्स भी आपको मिल सकते हैं तो यही सब होते हैं एलिमेंट्स ठीक <coughs> है तो हमारा राइट और लेफ्ट वाली दिक्कत तो हमारी भाई सॉल्व हो गई अब एक और दिक्कत हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट और राइट वाली तो हमारी सॉल्व हो गई नाउ इट्स अ टाइम कि हम ये भी देख लें कि एलिमेंट क्या होते हैं टाइप्स भी बताऊंगी पर पहले मैं कुछ कुछ चीज़ें आपसे बातचीत करना चाह रही हूँ अल्फ्रोमेरिक सीरीज़ की ठीक है अब यहाँ पे <coughs> सॉरी एलिमेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं एलिमेंट्स या फिर तत्व हिंदी में हिंदी में आपको ये तत्व लिखा हुआ मिलेगा क्या होता है तो एलिमेंट्स में आपकी सब चीज आती है चाहे वो अल्फाबेट हो चाहे वो आपका सिंबल हो आपका लेटर हो आपका कोई भी नंबर हो डिजिट हो कोई भी चीज हो वो सभी एलिमेंट्स होते हैं ठीक है तो या तो आपको अल्फाबेट मिलता है या तो नंबर मिलता है आ, या तो आपको यहां पे सिंबल मिलता है ये सभी क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं ठीक है आगे चलते हैं अब देखो ये तो एलिमेंट्स है अगर वो आपको बोल रहा है कि आप लेफ्ट से सिक्स अल्फाबेट ढूंढिए, तो आप सिर्फ अल्फाबेट को काउंट कर रहे होंगे ना कि पूरे एलिमेंट्स को मतलब कि उसमें सिंबल और नंबर्स को आप काउंट नहीं कर रहे होंगे तो ये बात अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगी चलिए आगे चलते हैं आप तो एलिमेंट का मतलब समझ गए अब इसी से हमारी बात आती है कि हाँ इसी से हमारी बात आती है कि हमारे कितने टाइप्स की अल्फनमेरिक सीरीज होती है हमारी जो अल्फनमेरिक सीरीज होती है उसमें जो मोटे मोटे टाइप्स हैं सबसे पहले टाइप वन की बात करूंगी टाइप वन की बात करूंगी तो ये जो टाइप वन है ये क्या है आपका एक आती है मिक्सड सीरीज जिसे मैं बोलूंगी अब इसमें क्या क्या होता है इसमें आपके लेटर्स होते हैं अल्फाबेट होते हैं इसमें आपके डिजिट्स होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं और इसी में आपके साथ ही साथ सिंबल्स भी होते हैं ये तीन चीज आपको इस सीरीज में मिलती है ये बहुत पॉपुलर सीरीज है ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है टाइप टू जो आपका होगा वो आपका होगा वर्ड बेस्ड सीरीज का जिसमें पूरा एक शब्द दे दिया जाता है अब ये वर्ड सीरीज क्या होती है वो भी कराऊंगी फॉर एग्जाम्पल आपको पूरी सीरीज के बजाय आपको दे दिया वर्ड मतलब कि आ, रैट कैट लैन वैन ऐसे करके चार वर्ड्स दे दिए और फिर उस पर वो चार पांच क्वेश्चन पूछ ले ठीक है और इसी से हमारी एक और सीरीज़ बन चुकी है जिसे हम बोलते हैं लेटर सीरीज उसमें सिर्फ लेटर्स दिए हुए हैं मैं कराऊंगी डोंट वरी तो एक लेटर सीरीज़ भी होती है अब टाइप थ्री में हमारी कौन सी सीरीज़ आएगी भाई यहाँ पे आ जाती है हमारी नंबर बेस्ड सीरीज़ जैसे अभी मैंने लैन वैन मैं, कैट रैट कहा वैसे ही नंबर्स में पूरे पूरे नंबर्स दे दिए जाते हैं जैसे कि एक में दे दिया सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन फिर दूसरा नंबर दे दिया एट थर्टी नाइन फिर तीसरा दे दिया नाइन थर्टी नाइन तो यहाँ पे तीन नंबर्स सेवन ट्वेंटी नाइन एट थर्टी नाइन एंड नाइन थर्टी नाइन आपको यहाँ पे मिल गया है ना ये तीन नंबर्स मिल गए इनके अंदर एक एक, एक जो है जैसे कि सेवन थर्टी नाइन में डिजिट्स क्या हैं सेवन थ्री नाइन सेवन में आई बात चलो आगे चलो तो ये नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज से ही एक लेटर सीरीज भी बनती है और नंबर सॉरी डिजिट सीरीज भी बनती है ठीक है तो वो वो भी हम करेंगे सारी चीज़ मतलब कुछ छूटेगा नहीं ये बात याद रखना ये वीडियो के बाद में आपको कोई पेट क्लास की भी जरूरत नहीं है कोई आपको किसी भी फाउंडेशन की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है तो आ जाएगा आपका डिजिट बेस सीरीज इससे पहले मैं ऑलरेडी इनक्वालिटीज की एक पूरी वन शॉट वीडियो पूरे पौने तीन घंटे की है वो जरूर देखिएगा उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में ओके ये हो गया अब टाइप फोर स्पेशली जो ये है ये वाला टाइप ये वाले जो अभी तक टाइप थे आपके ये जो तीन टाइप थे ये थे आपके प्री के लिए और जो ये वाला टाइप है ये है टाइप फोर एंड दिस इज फॉर योर मीन्स ये आपके मीन्स के लिए है ठीक है और ये क्या है ये है आपका स्टेप बेस्ड अल्फानोमरिक सीरीज जो आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज लिख देते हैं बस ठीक अब आगे चलते हैं ये सब चीजें देख ली चलिए अब ये कितने नंबर का आता है तो आपको प्री एग्जाम में ये जो चैप्टर है ये आपको पांच क्वेश्चन पूछ लेता है चाहे पीओ का प्री हो या फिर आपके क्लर्क का प्री हो इसी के साथ मेंस एग्जाम में भी ये कभी कभी नहीं अपने दर्शन देता है और कभी कभी दे देता है तो ये आते पांच क्वेश्चन है या तीन क्वेश्चन है तीन से पांच क्वेश्चन जनरली मैंने देखा है रहते हैं ठीक है तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बस ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चलो स्टार्ट करते हैं और अब बारी है हमारे आ, सीखने की अब सीखने हर क्वेश्चन में हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे वो क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही डिज़ाइन किए हैं ऐसे ही रखे हैं कि हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आप सीख लें ठीक है तो क्वेश्चंस के माध्यम से अब हम सीखेंगे पहले मैं आपको थोड़ा समय दूंगी करने का क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है बट हाँ जो जो ट्रिक्स काम आएंगी वो मैं आपको उस टाइम बताती रहूँगी आप बस हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे एल्फमेरिक सीरीज़ के कुछ रूल्स आपको पजल्स लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में भी काम आएंगे साथ ही साथ मशीन इनपुट जैसे चैप्टर्स में भी काम आएंगे इसलिए इसको अच्छे से अपना बेस बनाना और चैप्टर्स में भी इसकी हेल्प लेना ठीक है स्टार्ट करने से पहले मैं ये सोच रही हूं थोड़ा सा आपके साथ और डिस्कस कर देखिए जब भी वो बोलते हैं लेफ्ट एंड से तो आप लेफ्ट एंड से काउंटिंग कर लेते हैं अगर वो आपको बोल रहे हैं कि लेफ्ट एंड से फिफ्थ के लेफ्ट में मुझे सेकंड बता दो तो उसके लिए आप क्या करेंगे अगर वो आपको ऐसे बोल रहे हैं कि राइट एक्सट्रीम राइट एंड से ठीक है या फिर राइट एंड भी बोल देते हैं तो वो एक्सट्रीम एंड ही होता है राइट एंड से फिफ्थ एलिमेंट के लेफ्ट में सेकेंड एलिमेंट बता दो तो क्या क्या चीजें कैसे होंगी वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे चलिए नेक्स्ट तो क्वेश्चंस के थ्रू अब हम हर एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते चलेंगे ध्यान से हर एक क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा सा समय आपको दूंगी 20 सेकंड का पढ़ने के लिए क्वेश्चन को फिनिश ठीक है तो क्या था इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मुझे एक सीरीज दिख रही है कौन सी सीरीज है जी ये ये तो मिक्स्ड सीरीज है अल्फाबेट भी है नंबर्स भी हैं, और साथ ही साथ सिंबल्स भी हैं इन्होंने बोला विच अमंग द फॉलोइंग सिंबल इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज़ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द अब सीरीज़ अब इसका हम क्या करेंगे इसके लिए हम एक चीज़ करेंगे सबसे पहली चीज़ क्या होगी वो देखिए सबसे पहली चीज़ होगी बिल्कुल बेसिक से करने की बेसिक से कैसे करेंगे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भाई कौन से एंड से बोला है एंड 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 ढूंढिए अच्छा लेफ्ट एंड से बोला है अच्छा लेफ्ट एंड से बोला है ठीक है ठीक है लेफ्ट एंड से क्या भाई लेफ्ट एंड से नाइन्थ क्या एलिमेंट नंबर अल्फाबेट क्या तो आगे देखेंगे एलिमेंट विच इज नाइन्थ मतलब कि लेफ्ट एंड से नाइंथ एलिमेंट काउंट करिए लेफ्ट एंड से नाइन्थ मैं बोलूंगी एक पूरे एक साथ एक साथ लेके चलेंगे कंबाइंड वे में पाँच-पाँच के गैप से हम इसे काउंट कर रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है तो मैंने ये देख लिया हो गए हमारे पांच और ये हो गए हमारे तीन और ये हो गया चौथा मतलब कि चौथाथ तो हमारा डब्लू आ गया सिंबल कौन सा सिंबल फिफ्थ होगा टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड अब ये जो एलिमेंट है इसके राइट से क्या बोला है इन्ने? इसके इसके राइट राइट एंड से, इसके राइट से आप बताइए फिफ्थ सिंबल कौन सा होगा अब जब इसका राइट इसका राइट क्या होगा हमारा राइट ये राइट होगा इसका अब इसमें फिफ्थ क्या फाइंड करना है तो ये ध्यान से देखना सिंबल बोला है एलिमेंट नहीं जब एलिमेंट बोलते हैं तो एक ट्रिक लगती है इस पर लेकिन जब सिंबल बोला है तो हमें बस सिंबल काउंट करना होगा तो यहां से राइट में जाइए वन टू थ्री फोर और ये फाइव परसेंट तो यहां पे आंसर जो होगा परसेंट होगा मतलब ऑप्शन फोर समझ में आई बात चलो आगे चलते हैं ठीक है ये समझ में आई तो जब एलिमेंट बोला था तो एलिमेंट काउंट किया जब सिंबल बोला तो सिर्फ सिंबल काउंट किया और सब चीजें छोड़ दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले जल्दी से हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल हाय मधुस्मिता अब नहीं होगा अब ये सब सीख जाएंगे हम ठीक है डियर चलिए सबसे पहले मुझे आपको सिखाना होगा कि क्या होता है ये ये जो अभी बात की गई है इमिजिएटली प्रिस अगर मैं बहुत इजी वे में देखो टू थ्री फोर लिखती हूँ और ये फाइव भी लिख दो चलो ठीक है मैं बोलूंगी थ्री इज इमेजिएटली प्रिसीडेड बाय और एक बार बोलूंगी थ्री इज इमेजिएटली फॉलोड बाय सॉरी तो क्या होगा आंसर थ्री इज इमीजिएटली प्रसीडेड बाय थ्री को अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है ठीक है यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है हिंदी में तो समझ जाएंगे थ्री इज इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय थ्री के ठीक पहले कौन है थ्री इज इमीजिएटली फॉलोड बाय थ्री के ठीक बाद कौन है हिंदी तो समझ गई लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश की तो थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन होती है तो हमेशा याद रखना जब भी यहाँ पे दिया गया है कि थ्री इज इमीजिएटली थ्री के जस्ट पहले तो प्रिस मतलब होता है प्रिस मतलब होता है पहले या फिर आप बोल सकते हैं आगे और फॉलोड मतलब होता है पीछे समझ में आई बात हाँ तो अगर मैं थ्री की बात करूँ तो थ्री इज इमीजिएटली बाय थ्री के जस्ट पहले एकदम पहले क्या है टू है आंसर हो जाएगा टू और थ्री इज इमीडिएटली फॉलोड बाय फॉलो कौन करता है फॉलोअ बाय होम फॉलो करते हैं फॉलोअर्स तो वो क्या होते हैं पीछे होते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर दैट विल इक्वल टू थ्री के इमीजिएटली पीछे कौन है चार है भाई आया समझ आगे चले चलो हम्म ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि फोर अगर मैं ये यहाँ पे फोर लिख दूंगी तो आंसर बताइए क्या होगा इफ आई है तो क्या होगा फोर इज इमीजिएटली प्रिस एंड फोर इज इमीजिएटली फॉलो आउड बाय तो फोर के जस्ट पहले प्रीसीडेड मतलब जस्ट पहले क्या है भाई इसके जस्ट पहले है थ्री और फोर के जस्ट बाद में क्या है जस्ट फॉलोआउड बाय फाइव आया समझ आई होप समझ गया होगा चलो नेक्स्ट पर चलते हैं ठीक है अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो एक्चुअली हमें करना था है ना आ जाओ इन्होंने बोला ऐसे कितने लेटर्स हैं विच इज इमीजिएटली फॉलोड बाई अ नंबर तो साइड में अपने रफ शीट पे जरूर लिख लेंगे कि लेटर्स लेटर्स को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज फॉलोड जिनके जस्ट बाद हिंदी में भी देख लीजिए जिनके ठीक बाद एक संख्या है संख्या मतलब कोई भी नंबर अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर या फिर डायरेक्ट कोई भी नंबर आप लिख दीजिए थ्री फोर फाइव जो भी मन करे साथ में एंड इमेजिएटली प्रिस बाय अ सिंबल एंड इमेजिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल तो भाई एंड के बाद जो भी बात होती है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके बारे में होती है सबसे पहले वाले व्यक्ति या फिर सबसे पहले वाले एलिमेंट के बारे में मतलब यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे लेटर्स दिया हुआ है लेटर्स के बारे में बात हो रही है इसी के साथ एंड के साथ अगर आपको बट या फिर वाइल या फिर और मिलता है तो भी आपका जो एलिमेंट जिसके बारे में बात होती है वो सबसे पहले वाले वेरिएबल के बारे में बात होती है अब इन्होंने बोला कि जो लेटर है जस्ट फॉलोड बाय नंबर एंड बाय अ सिंबल और इस लेटर के जस्ट पहले एक सिंबल होना चाहिए तो क्या फाइंड करेंगे लेटर के जस्ट पीछे नंबर और इसके जस्ट पहले आप सिंबल तो देखो आप इसे दो तीन तरीकों से कहा जा सकता है आप पहले इस सीरीज़ को देखोगे आप देखोगे यार इसमें सिंबल बड़े कम दिख रहे हैं है ना सिंबल कम दिख रहे हैं तो क्यों ना मैं इसे फाइंड करने के लिए और जल्दी करने के लिए चीज़ों को मैं क्या करूँगा आई विल डू वन थिंग पहले मैं सिंबल ढूंढूंगा फिर सिंबल के जस्ट पीछे लेटर और फिर लेटर के जस्ट पीछे नंबर सिंबल के जस्ट पीछे लेटर तो मिला पर लेटर के पीछे नंबर नहीं मिला गया ये ये नहीं बन पाया पेयर ये पूरा एक साथ चाहिए हमें सिंबल के पीछे लेटर मिला लेटर के पीछे नंबर नहीं है फिर सिंबल के पीछे लेटर मिला और ये देखो लेटर के पीछे हमें नंबर भी मिल गया क्योंकि ये ज़ीरो है वो बताएंगे भी ऐसे जो है पतला वाला वो ज़ीरो है नोट करके देंगे आपको तो चलो हमें एक ये एक ये मिल गया पेयर मतलब कि एक लेटर ये मिल गया है ना ये मिल गया और सिंबल के पीछे मुझे नंबर चाहिए था पर देखो सिंबल के पीछे नंबर नहीं है तो ये तो नहीं बनेगा मतलब आप इनमें से सॉरी सिंबल के पीछे मुझे लेटर चाहिए था यहाँ पे बन रहा है सिंबल के पीछे लेटर चाहिए था ये देखो सिंबल के पीछे लेटर तो मिल गया लेकिन लेटर के पीछे नंबर जो है वो नहीं मिल पाया तो ये भी नहीं बना सिंबल के पीछे यहाँ पे भी लेटर मिल गया पर लेटर के पीछे नंबर नहीं मिला तो कितने बने क्या हुआ क्वालिटी सिंबल के पीछे हाँ तो यहाँ पे हमें कितना मिला सिंबल के पीछे लेटर लेटर के पीछे नंबर कितना मिला कितना मिला कितना मिला यहाँ पे हमें ये मिला बस एक लेटर मतलब आंसर क्या हो जाएगा वन आंसर होगा वन ओनली वन वेरी गुड समझ में आई ये बात सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी एंड का यूज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है ये भी पता चल गया होगा हम कैसे देख सकते हैं इसे ठीक है चलो आगे आपको एक और बात यहाँ पे मालूम होनी चाहिए जो हम मॉक में नहीं बता रहे होते हैं जब भी आपको यहाँ पे एंड दिया होता है गाइस उसका मतलब ये भी होता है कि लेटर के आगे लेटर के आगे ये सिंबल और पीछे ये नंबर दोनों ही जर, दोनों ही होना आवश्यक है मतलब ये दोनों ही होने चाहिए अगर लेटर के पीछे जस्ट आपको एक नंबर मिल गया पर उसके आगे आपको सिंबल नहीं मिला तो वो भी लेटर काउंट नहीं करेंगे समझ में आई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब वो एंड बट, वाइल यूज करते हैं इट मीन्स दोनों चीजें चाहिए एज वेल एज भी यूज करते हैं चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द ब सीरीज व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल ठीक है देखते हैं ये कैसे होगा जब इन्होंने बोला कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जो इमेजिएटली प्रोसीडेड अपने रफ शीट पे लिख लो कुछ नहीं जाएगा लिख लोगे तो लेटर इमेजिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल मतलब इनके जस्ट पहले एक सिंबल आना चाहिए इनके जस्ट पहले एक सिंबल आना चाहिए अब देखो आप इसे दो तरीकों से कर सकते हो या तो आप लेटर ढूंढने निकल जाओगे चलो लेटर ढूंढते हैं लेटर के जस्ट पहले सिंबल या फिर सिंबल ढूंढ लो और सिंबल के जस्ट पीछे लेटर ढूंढ लो बात एक ही है काउंटिंग सेम होगी तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मुझे लेटर तो बहुत सारे दिख रहे हैं इससे अच्छा तो सिंबल के पीछे लेटर ढूंढूंगी तो सिंबल के पीछे लेटर ढूंढना शुरू करते हैं तो एक तो ये मिल गया एक ठीक है एक हो गया ये सिंबल के पीछे लेटर फिर सिंबल ढूंढा सिंबल के पीछे लेटर फिर सिंबल ढूंढा मैंने सिंबल के पीछे ये लेटर मिल गया फिर यहां पे देखो ये लेटर मिल गया सिंबल के पीछे सिंबल के पीछे लेटर सिंबल के पीछे लेटर कितने मिल गए यहाँ पे तीन चार पाँच छह तो ये ही मिल गए मतलब ऑप्शन फाइव ऑप्शन फाइव मिल गए ना मतलब सिक्स चलो आगे चलते हैं दो क्वेश्चन हो गए कॉन्सेप्ट इसी के साथ क्लियर होते जा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एट एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज चलो करते हैं फोर फोर फाइव जीरो डी ओके सी क्या होगा इसका आंसर अब यहां पे आप इसे नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे बेसिक तरीके से और कैसे करेंगे तो देख लेते हैं इसे इन्होंने बोला राइट right एंड पीछे पहुंचो पहले राइट right एंड से एथ एलिमेंट के लेफ्ट में फिफ्थ क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन होगा मतलब एलिमेंट ही पूछा है जब इन्होंने बोल दिया ना कि जेनरिक दे बोल दिया मतलब कि उन्होंने कुछ एलिमेंट अल्फाबेट नंबर किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया तो हम एलिमेंट काउंट करेंगे अब यहाँ पे हुआ क्या यहाँ पे क्योंकि हमें एलिमेंट का फाइंड करना है दोनों जगह एलिमेंट लिखा है इन्होंने यहाँ पे बोला राइट right एंड से एथ एलिमेंट पहले ये ढूँढी है राइट right एंड से एथ एलिमेंट कौन सा होगा तो ये मैंने पाँच चली और फिर ये छः सात आठ ये हो गया अब ये बोल रहे हैं इसके लेफ्ट में फिफ्थ इसके लेफ्ट में फिफ्थ इसका लेफ्ट इधर है तो ये एक दो तीन चार पाँच भाई ज़ीरो है ऑप्शन फोर है ना पर क्या हम इसे ऐसे कर रहे होंगे तो इसका दूसरा तरीका क्या है करने का वो भी देख लेते हैं हमें कुछ नहीं करना इस तरीके में हमें यह देखना है कि यहां पे क्या दे रखा है यहां पे हमें दे रखा है लेफ्ट और यहां दे रखा है हमें राइट एंड जब राइट एंड के साथ लेफ़्ट दिया हो तो अभी नोटबुक में अपने नोट्स तो बना रहे हैं ना वन शॉट का नो एक नोटबुक होनी चाहिए आपकी जिसमें इनक्वालिटीज़ का पूरा आपके नोट्स होने चाहिए आपके अल्फ्रामेरिक सीरीज़ के नोट्स होने चाहिए और आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स होने चाहिए ठीक है थैंक यू सुरजत तो यहाँ पे आते हैं मैं आप बहुत अच्छे से समझा रही हैं थैंक यू ये बोल रही थी सुरजत आप लोग पूछेंगे मैम क्या क्या बोल दिया ठीक है आइए अब यार देखो हमेशा याद रखना जब भी लेफ्ट के साथ राइट एंड दे दिया जाए जब भी लेफ्ट के साथ राइट एंड दे दिया जाए और आपसे पूछा हो दोनों जगह ही एलिमेंट की बात की जा रही हो तो हम क्या कर रहे होते हैं हम यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट के साथ कौन सा एंड है भाई राइट एंड है अब मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ ठीक है लेफ्ट के साथ राइट एंड अगर आ जाता है या फिर राइट के साथ लेफ्ट एंड अगर आ जाता है तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो जाता है ऐड हो जाते हैं नंबर्स नंबर्स ऐड हो जाते हैं या फिर सम हो जाता है नंबर्स का जो भी रेस्पेक्टिव नंबर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं मतलब कि अगर यहाँ पे पाँच लिखा है और यहाँ पे आपका आठ लिखा है तो आठ प्लस पाँच हो जाएगा मतलब क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट और यहाँ पे राइट right एंड है तो मैं इसे बोलती हूँ ऑपोजिट एट्रैक्ट ऑपोजिट एट्रैक्ट्स ऑपोजिट क्या करते हैं एट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा याद रहेगा कभी नहीं भूलोगे लेफ्ट के साथ अगर राइट right हैंड मिल जाए या राइट right के साथ लेफ्ट एंड मिल जाए एक एंड होना चाहिए और एक दूसरा लेफ्ट या राइट right होना चाहिए समझ में आया हाँ तो आप दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे जैसे कि यहाँ पे राइट right के साथ लेफ्ट लेफ्ट एंड लेफ्ट के साथ राइट right एंड मिल गया तो दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए एट प्लस फाइव तो क्या हो जाएगा आठ प्लस आपका हो जाएगा थर्टींथ क्या थर्टींथ एलिमेंट अब बताइए थर्टीनथ एलिमेंट कौन सा हुआ अब थर्टीनथ एलिमेंट राइट से देखना है लेफ्ट से देखना है ये भी पता करना होगा तो याद रखिएगा थर्टीन एलिमेंट हम कहाँ से देखेंगे जो भी एंड दिया हुआ है ठीक है इस एंड को हम बेस बनाएंगे तो क्या दिया है राइट एंड तो राइट एंड से थर्टीनथ एलिमेंट तो ये हो गए आपके तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये हो गए आपके ग्यारह बारह तेरह मतलब जीरो जीरो ही आंसर था ना तो यहाँ पे आपको बार बार रुकना नहीं पड़ा यहाँ पे आप डायरेक्ट जब ऐड करके चलते हैं तो आपको एक बारी में उसे आ, काउंट करना होता है तो आपका जल्दी हो जाता है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आई होप ये समझ में आया होगा ठीक है ये तो ऑपोजिट अट्रैक्ट की बात हुई पर अगर सिमिलर चीज़ आ गई तो क्या होगा तो उसके लिए भी अभी ही लिख लेंगे अगर सिमिलर चीज हुई तो क्या होगा भाई अगर आपको लेफ्ट के साथ राइट right एंड मिलता है या फिर राइट के साथ लेफ़्ट एंड मिलता है तो इसमें एडिशन होगा दोनों नंबर्स का लेकिन अगर आपको लेफ़्ट के साथ लेफ़्ट एंड मिलता है और राइट के साथ राइट एंड मिलता है तो जो भी दोनों नंबर्स होंगे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और फिर जो भी नंबर आएगा उस नंबर उस टी एच उस एलिमेंट को हमें फाउंड कर फाइंड करना पड़ेगा जिस एंड जो एंड दे रखा है उस एंड से ठीक है समझ में आई बहुत इंपॉर्टेंट बात है पता होनी चाहिए चलो आगे चलते हैं हाँ अब हमारी अल्फा हमने अभी अल्फनुमारिक सीरीज़ की ये फिर से आएगी ठीक है पर अभी आप बोर हो गए होंगे तो अब हम करेंगे वर्ड बेस्ड सीरीज़ ये ज़्यादातर पीओ के एग्जाम में पूछी जाती है पर इंपॉर्टेंट बहुत है मज़ा भी आएगी पर उससे मैं बोलूँगी कि थोड़ा लेवल आपका इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे बीस सेकेंड के अंदर फिर मैं आपको इसका बताऊंगी <laughs> आई होप आपने पढ़ लिया होगा देखो इन्होंने क्या कहा है दे आर सींग हाउ मैनी ऐसे कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फोबेटिकल सीरीज में किसके बीच में बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड मतलब हमें पीछे से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा ये बोल रहे हैं कि लेफ्ट एंड से जो सेकेंड क्या है लेटर है ठीक है लेफ्ट तो एंड से जो सेकेंड वर्ड है सॉरी लेफ्ट एंड से लेफ्ट एंड ये होता है लेफ्ट एंड से पहला वर्ड ये दूसरा वर्ड ये ये जो सेकेंड वर्ड है उसका क्या पूछा है इन्होंने उन्होंने बोला है थर्ड लेटर उस शब्द का उस वर्ड का थर्ड लेटर मतलब कि ये टी थर्ड लेटर मतलब कि टी तो ये जो टी है ठीक है बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड मतलब टी और किस लेटर के बीच में एंड पीछे जाओ वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड राइट एंड से तीसरा शब्द एक दो तीन ये है इसका कौन सा लेटर कह रहे हैं उसका सेकेंड लेटर कह रहे हैं मतलब कि ए मतलब ए अब इन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं किसके मुताबिक अल्फाबेटिकल वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के मुताबिक तो यहाँ पे क्या होगा टी और ए के बीच में अब आप काउंट करेंगे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ऐसे करेंगे नहीं तो जब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग सिखाऊंगी तो मैं आपको प्लेस वैल्यू लर्न कराऊंगी ए बी सी डी की जेड तक तो अगर आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू पता होती तो आप टी की प्लेस वैल्यू लिखते ट्वेंटी और ए की प्लेस वैल्यू होती है ठीक है अब ए और टी के बीच का हमें पूछा है कि बताइए और के बीच में कितने लेटर्स हैं अब इतना काउंटिंग करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आप डायरेक्ट इनकी जो प्लेस वैल्यू है ना उसे माइनस कर दीजिए मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे आपने पहले ट्वेंटी में से माइनस करा वन आंसर आ गया नाइनटीन ठीक है बट उन्होंने हमसे पूछा था ए और टी के बिल्कुल बीच में कितने लेटर हैं मतलब उसमें ना ही ए इंक्लूड होगा ना ही टी जब हम फाइव में से फोर घटा रहे होते हैं या फिर जब हम फाइव में से वन हटा देते हैं तो फाइव माइनस वन इज इक्वल फोर पर अगर मैं आपसे पूछूं फाइव और वन के बीच में कितने नंबर हैं तो आप बोलेंगे मैम तीन है।, है ना पर जब हमने माइनस किया तो फोर आया क्यों क्योंकि हमने वा फाइव में से वन को तो माइनस कर दिया लेकिन यहाँ पे फाइव अभी भी इंक्लूडेड है सेम यहाँ पे यही हुआ है यहाँ पे हमने टी में से ए को तो हटा दिया मतलब कि टोटल ट्वेंटी में से ए वाला लेटर तो हटा दिया लेकिन अभी भी हम टी को काउंट कर रहे हैं इसलिए हमारा जो भी नंबर आएगा उसमें माइनस वन और हो जाएगा मतलब इस नाइनटीन में आप एक और स्टेप आगे जाएंगे और नाइनटीन में से माइनस करके एटीन ले आएंगे एंड इसलिए आपका आंसर क्या होगा इट विल बी एटीन नॉट ट्वेंटी नॉट नाइनटीन समझ में आई ये बात वेरी गुड चलो आगे चलते हैं ठीक है थोड़ा मैंने कि थोड़ा मैंने ना ऐसे 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 रखा है ग्राफ जिसे कि आपको ना ही आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाएं और ना ही ऐसा हो जाए कि अरे हमें तो सब आता है इसलिए सब टाइप के क्वेश्चंस को मैंने एक कभी इजी आ जाएगा कभी मॉडरेट कभी डिफिकल्ट ऐसे चलेगा चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं समय दे रही हूँ आपको क्वेश्चन पढ़ने का हाउ मेनी एलिमेंट्स आर दिया बिटवीन द एलिमेंट विच इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट एंड एंड एलिमेंट विच इज एट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इन्होंने क्या बोल दिया दे आर से भाई जो एलिमेंट राइट एंड से जो सिक्स है राइट right एंड से सिक्स्थ कौन सा एलिमेंट है तो ये हो गया आपका तीन चार पाँच छ ये और ये बोल रहे हैं एंड द एलिमेंट दैट इज एट फ्रॉम द लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड से एट्थ एलिमेंट मतलब कि ये चार पाँच छ सात आठ ये इन दोनों के बीच में कितने क्या पूछा है इन्होंने एलिमेंट्स है मतलब हर चीज को काउंट कर रहे होंगे तो चलिए काउंट करते हैं क्या आएगा यहां जब हम काउंट करेंगे तो इनके बीच में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह फोर्टीन मतलब ऑप्शन टू ठीक है अब ये जो मैंने काउंटिंग की ये काउंटिंग आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए इसके बेसिस इसके लिए हम डेली बेसिस पे मैं सुबह नौ बजे आपको यहाँ पे बैंकर अड्डा पे ही मॉक करा रही होती हूँ पूरा प्रैक्टिस करा रही होती हूँ वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा और इसी के साथ आपके स्पीड पे अगर आपको काम करना है एक्यूरेसी के साथ आपको स्पीड लानी है तो रीजनिंग रील्स का पार्ट ज़रूर बनेंगे ठीक है चलिए ठीक है पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को अब ये कौन सी सीरीज़ है तो अभी हमने करी एक तो अल्फा अल्फ़ानुमेरिक सीरीज़ है ना एक हमें अल्फोनुमैरिक प्लस सिम्बलिक सीरीज़ मतलब मिक्स्ड सीरीज़ की एक हमने की वर्ड वाली सीरीज़ और ये है कौन सी इसमें लेटर्स है और नंबर्स हैं मतलब कि ये प्योर अल्फानुमैरिक सीरीज़ है आइए कौन सा एलिमेंट फिफ्टीन है लेफ्ट हैंड से क्यों दे दिया अरे आयो हुआ क्वेश्चन है पीओ ने भी दिया है कभी किसी साल और क्लर्क में भी आता रहता है क्यों क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग एग्ज़ाम का आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे वो लोगों को आपकी स्पीड के साथ एक्यूरेसी चाहिए होती है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत हमें टैलेंटेड लोग चाहिए जिनका बहुत मतलब बहुत टैलेंटेड हो वो बहुत सारी बुक्स उन्होंने पढ़ा क्यों नहीं उन्हें चाहिए जिसका ब्रेन शार्प हो जिसका आई लेवल बहुत अच्छा हो तो यहाँ पे वही बात है यहाँ पे कौन जिसकी प्रैक्टिस अच्छी वो जल्दी से काउंट कर लेगा जिसकी प्रैक्टिस नहीं सही होगी वो नहीं कर पाएगा यहाँ पे सभी बच्चे डी बता रहे हैं आंसर देखते हैं फिफ्टींथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मैं बोल रही हूँ अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इसे पाँच पाँच के पेयर में ले सकते हैं जैसे कि ये एक सेकेंड ये हो गया आपका पाँच फिर ये हो गए आपके पाँच मतलब दस हो गए हमें क्या चाहिए रहे चाहिए और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड से शुरू करा है पांच और ले जाइए तो ये आपके पांच हो गए और ये डी आ गया डी है ऑप्शन टू ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी ठीक है हम्म ये वाला क्वेश्चन करते हैं चलिए हाउ मैनी क्या है ये मिक्सड सीरीज है हाउ यार? मैनी यार बात चलो कर लो इन दबाव अरेंजमेंट इचर विच इज इमीजिएटली प्रोसीडेड बाई अ इमीजिएटली प्रोसीडेड एंड इमीजिएटली फॉलोअ बाय सिंबल आप खुद बताएंगे कैसे करना है चलो देखते हैं कैसे होगा ये तो यहाँ पे क्या करना है हमें अल्फ़ाबेट्स कितने हैं किसके आ, ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिनके इमीजिएटली प्रसीडेड एंड इमेजिएटली फॉलोअ बाय सिम्बल मतलब ऐसे कितने अल्फाबेट होंगे जिनके जस्ट पहले भी और जस्ट बाद भी आगे भी पीछे भी क्या होंगे सिम्बल्स होंगे जी तो दो सिंबल आस पास वाले मिल जाए बात बन जाएगी चलो देखते हैं दो सिंबल आप ऐसे अल्टरनेटिवली फाइंड करने की कोशिश कीजिए पास पास कोई बहुत पास नज़दीक मुझे सिंबल मिल जाए तो देखो सबसे पहले नजर गई यहाँ और कहीं गई और कहीं नहीं गई मतलब ये दो सिंबल अब बीच में देख लो ये अल्फाबेट है क्या हाँ जी है मतलब एक ही अल्फाबेट ऐसा है क्या ही मैं सही हूँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वन नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप चीज़ें समझ में आती जा रही है हर एक क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है Which among the following, ये वाला क्वेश्चन करेंगे Which among the following element is 11 to एलिमेंट इज of टू element फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज अभी मैंने सिखाया था अभी मैंने सिखाया था और हो जाना चाहिए अब तो नॉर्मल मेथड से नहीं करेंगे गाइस कैसे करेंगे पीछे जाओ राइट right एंड लिखा है और यहाँ लेफ़्ट लिखा है फाइंड क्या करना है एलिमेंट करना है ठीक है जब राइट right एंड और लेफ़्ट लिखा है तो लेफ्ट और राइट right, क्या होगा ऑपोजिट एट्रैक्ट इनके साथ जो भी नंबर दिए हैं प्लस कर दो यहाँ पे दिया है इलेवन यहाँ दिया है आपका सेवन एलेवन प्लस सेवन मतलब एटीनथ एलिमेंट फाइंड करना है कहाँ से राइट right एंड से एंड कौन सा है राइट एटीनथ एलिमेंट कौन सा होगा ठीक है हाँ तो यहाँ पे दो आंसर आप लोग दे रहे हैं ई e और बी देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम चलें तो ये हो जाएगा आपका पाँच ये ये पाँच ये फाइव ठीक है फाइव 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 चल रही है अब हमें कितना चलना है पंद्रह के बाद तीन तक और जाना है तो सोलह सत्रह अट्ठारह मतलब ई ई हो जाएगा आंसर ई है ऑप्शन टू ऑप्शन टू।, टू वाले बिल्कुल सही नेक्स्ट ठीक है हाउ मेनी इवेंट नंबर्स आर देयर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं मेनली वो देख रहे होते हैं कैसी ऑब्जर्वेशन है आपकी चलिए करते हैं में सीरीज के तो फर्स्ट हाफ पहले तो हमें देखना होगा टोटल कितने लेटर्स और ये पूरे एलिमेंट्स कितने हैं टोटल टोटल अगर मैं यहाँ पे गिनने चली तो यहाँ पे मुझे कुछ मोटा मोटा यहाँ पे दिख रहा है कि ये है आपके पाँच ये फाइव है फिर ये फाइव है ठीक है फिर ये फाइव है फिर ये फाइव है और फिर ये आपके फाइव है और ये दो बचे हैं तो मुझे क्या, कितने मिल गए ये तीन चार पाँच छः सिक्स फाइव थर्टी तीस तो यही होगा यहाँ तक और ये दो और बत्तीस अब इस बत्तीस का मुझे हाफ़ पहले तो सीरीज़ के हाफ़ तक आना है कैसे आऊँगी यहाँ से मैंने ये दस छोड़े ठीक है हाफ़ क्या होगा थर्टी टू का हाफ़ होता है सिक्सटीन तो सोलह सोलवा मुझे ढूँढना है है ना दस हो गए यहाँ तक आ गए पंद्रह और ये हो जाएगा सोलवा मतलब यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगी तो फर्स्ट हाफ़ हमारी सीरीज़ का ये हो गया और ये पीछे वाला सेकेंड हाफ है अब ये बोलते हैं ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज तो फर्स्ट हाफ में इवन नंबर्स काउंट करेंगे तो एक दो फिर आपके आ गए तीन और ये चार चार इवन नंबर्स हैं आंसर हो जाएगा फोर नेक्स्ट हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन सीरीज विच आर इमीजिएटली बाय अ नंबर इमिजिएटली प्रिस बोला है मतलब ऐसे कितने वॉवल्स होंगे जिनके जस्ट पहले एक नंबर आएगा ठीक है या फिर ये भी ढूंढ सकते हैं कि नंबर के जस्ट पीछे वॉवल आएगा पर वॉवल ज़्यादा आसान होगा कम होंगे वॉवल तो वॉवल अगर मैं ढूंढने निकली तो वॉवन के वॉवल के जस्ट पहले नंबर ये मिल गया एक तो ए वॉवल है और इसके आगे नंबर नहीं मिला तो ये तो हो गया और वॉवल देखूँ अगर मैं तो ए के आगे नंबर नहीं है और मुझे कोई वॉवल नहीं दिख रहा तो आंसर क्या हो जाएगा वन वेरी गुड नेक्स्ट टाइम स्टार्ट द राइट एंड ये आप खुद कर लेंगे है ना ऑपोजिट अट्रैक्ट एड कर देंगे फाइन कर लेंगे लेकिन इसमें अगर मैं एक ट्विस्ट ला दू और यहां पे लिख दू राइट right, तो बताइए कैसे करेंगे कैसे करेंगे तो आप राइट right एंड मतलब कि सिमिलर रिपल्स, सिमिलर रिपल्स मतलब कि माइनस हो जाएगा तो थ्री है और ये इलेवन है इलेवन माइनस थ्री विल इक्वल टू एट मतलब एट एलिमेंट फाइंड करना है कौन सा एंड दिया है राइट एंड एट एलिमेंट राइट एंड से राइट right एंड से एट एलिमेंट क्या हो जाएगा पांच पावर समझ में आई बात कैसे कैसे करेंगे चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर बिटवीन द एलिमेंट विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड पढ़ लिया होगा आप लोगों ने चलो करते हैं इसे देखते हैं कैसे होगा सो वॉट दे आर सेइंग बेसिकली कि लेफ्ट एंड से फिफ्थ जो एलिमेंट है लेफ्ट एंड से फिफ्थ एक दो तीन चार पांच ये और राइट right एंड से सेवेंथ जो एलिमेंट है राइट right एंड से सेवेंथ क्या होगा ये होगा आपके पाँच और ये छः सात इन के बीच में कितने वॉवल्स आएंगे अब देखो इस सीरीज में पूछा है अगर ये बोलते अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने आएंगे वॉवल्स तो हम ए बी सी डी वाली सीरीज में ढूंढ रहे होते कि टी और वाई के बीच में कितने वॉवल्स आ जाएंगे लेकिन यहाँ पे क्योंकि सीरीज बोला है मतलब सीरीज में देख रहे होंगे हम यहाँ पे हर एक जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेस है ये एक एक इंपॉर्टेंट है सेंटेंस एक एक वर्ड जो मेरे मुँह से इस सेशन में वन शॉट के सेशन में निकल रहा है वो सभी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आइए अब यहाँ पे कितने आपको वॉवल्स दिख रहे हैं तो वॉवल्स अगर मैं देखूँ एक तो मुझे ई e दिख गया ए यू और हमें कोई नहीं दिख रहा मतलब यहाँ पे तीन वॉवल्स दिख रहे हैं ठीक है तो आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका है फॉलोइंग एलिमेंट इज in इन द मिडल बिटवीन element एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड sixteenth एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड अब क्या करेंगे यहाँ से सेवेंथ एलिमेंट काउंट करेंगे लेफ्ट एंड से राइट right एंड से आप सिक्सटीन एलिमेंट काउंट करेंगे और फिर बताना है आपको कि इनके एक्जैक्टली exactly बीच में एग्जैक्टली exactly मतलब बिल्कुल बीचों बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा ठीक है तो ये आप फाइन करके मुझे बताएंगे अभी आगे चलते हैं इसमें मेरा ज़्यादा कोई रोल नहीं है आपके ऑब्जर्वेशन का रोल है इसी में मैं आज आपको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ ठीक है अब देखो चेंज क्या है यहाँ पे अभी तक हमने एंड वाले बहुत कर लिए अब मैं इस एंड को हटा के यहाँ पे लिख रही हूँ और और इसी के साथ मैं एक और चीज कर रही हूँ आगे क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ और भी लिखा है बट नॉट बोथ अब देखो इसका मतलब क्या होता है इन्होंने बोला ऐसे कितने नंबर्स हैं भाई नंबर्स ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके जस्ट पहले क्या आएगा कॉन्सोनेंट आएगा ये लो इनके जस्ट पहले ऐसे बना लेना ये कर्व सा देखे कॉन्सोनेंट आएगा और इमीजिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल या फिर उस नंबर के जस्ट बाद में वॉवल आएगा लेकिन बट नॉट बोथ पर दोनों एक साथ नहीं आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मतलब नंबर के जस्ट पीछे वॉवल या फिर नंबर के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट पर ये दोनों चीज़ें नंबर के एक साथ नहीं आनी चाहिए आगे पीछे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है और नंबर के जस्ट बाद वॉवल है तो ये एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जब वो ऐसे बोलते हैं बट नॉट बोथ मतलब कि इनमें से आइदर वाली कंडीशन बैठी होती है इसमें वो आइदर और भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है ठीके? चलो कैसे होगा ये पहले नंबर ढूंढते हैं नंबर के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट नंबर पहले हम क्या देखेंगे हम देखेंगे नंबर के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है क्या अगर होगा तो एक बार वेरीफाई करेंगे कि नंबर के जस्ट पीछे वॉवल है क्या अगर वॉवल नहीं हुआ तो सही बात है लेकिन अगर वॉवल हो गया मतलब दोनों चीज़ एक साथ आ गई तो वो हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे नंबर के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट तो नंबर 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 के पे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट तो नहीं मिला ये देखिए जस्ट पहले कॉन्सोनेंट नहीं है फिर आप नंबर पे चले कॉन्सोनेट नहीं मिला नहीं मिला फिर नंबर 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 ये लीजिए मिल गया नंबर के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट मिल गया और कोई है क्या नंबर के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट मिल गया ये लीजिए दो तो मिल गए लेकिन नंबर के जस्ट बाद वॉवल नहीं होना चाहिए तो देखो इस नंबर के बाद वॉवल नहीं है इस नंबर के बाद वॉवल नहीं है दोनों काउंट किए जाएंगे दोनों नंबर अब हमें ये भी फाइन करना है कि क्या कोई ऐसा बन रहा है नंबर के जस्ट पीछे वॉवल तो ये भी काउंट कर लेते हैं नंबर के जस्ट पीछे वॉवल तो नंबर के जस्ट पीछे वॉवल देख लो या वॉवल के जस्ट पीछे जस्ट आगे नंबर देख लो बात एक ही की है तो नंबर के जस्ट पीछे वॉवल पहले वॉवल को ढूंढते हैं यहाँ ये मिला नंबर के जस्ट पीछे नहीं है आगे देखो नंबर के जस्ट पीछे वॉवल ये देखो एक मिल गया ये नंबर के जस्ट पीछे वॉवल और कोई मिल रहा है क्या नहीं अब इसमें हमें एक चीज याद रखनी है कि इस नंबर के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए लेकिन यहां पे क्या है कॉन्सोनेंट नहीं है वॉवल ही है तो ये बच गया तो कितने हो गए एक दो और ये आपका तीन तीन आ गए समझ में आई बात पी नाइन भी है हाँ ये देखो एक ये भी है नाइन के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट तो चार हो गए अपने और कोई है तो बता दो तो जल्दी तो ये एक दो तीन और ये चार चार हो गए तो इनमें से ये आंसर हो जाएगा मोर देन थ्री क्या होगा फाइव मोर देन थ्री ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं हम नंबर बेस्ड सीरीज पे जो मैंने बोला था सारे टाइप्स हम कर रहे हैं यहाँ पे ये नंबर बेस्ड सीरीज करते हैं द डिजिट्स इन ईच नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर बहुत जल्दी होने चाहिए ये क्वेश्चंस आपके इन्होंने क्या कह दिया दे आर सेइंग हर एक नंबर नंबर क्या होता है 532 पूरा एक नंबर है लेकिन पाँच तीन दो ये तीनों अलग अलग मैं देखूँ तो ये डिजिट्स हैं ऐसे ही वर्ड मैंने बोला पैन ए एन वाला पैन बोला तो वो वर्ड है लेकिन जब मैंने बोला पी ए एन तो वो क्या हो गए वो वो लेटर्स हैं जिससे वर्ड बना है ऐसे द uh, डिजिट्स अगर हर नंबर के डिजिट्स को अरेंज कर दिया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में द डिजिट्स इन ईच नंबर हर एक नंबर के जो अंदर के डिजिट्स हैं उन्हें डिसेंडिंग uh, ऑर्डर में कर दिया देन ऑफ द द फॉलोइंग नंबर विल बी थर्ड हाइएस्ट नंबर अरे थर्ड हाईस्ट नंबर कौन होगा अगर मैंने यहाँ पे दो तीन नंबर आपको लिख दिए तो आप हाइएस्ट नंबर कौन सा बताएंगे उसके सबसे पहला वाला डिजिट देखेंगे कि नहीं यही ही हाईएस्ट होगा इससे तो बड़ा ही है एट एट फोर्टी वन हो जाएगा यहाँ पे भी यही करेंगे क्योंकि इन्होंने बोला पहले कुछ चेंजेस इन्होंने बोला भाई हर नंबर का जो डिजिट्स है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो मतलब कि घटते क्रम में बढ़ते से घटते क्रम में अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आके खड़ा हो जाएगा फाइव क्योंकि सबसे बड़ा फाइव है डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है यहाँ पे ये क्या बन जाएगा सेवन फोर टू बन जाएगा ये फाइव थ्री टू ही रहेगा यहाँ पे एट फोर टू हो जाएगा ये हो जाएगा एट सिक्स थ्री एट फोर वन हो जाएगा क्या जरूरत थी ये करने की बिल्कुल नहीं थी क्यों नहीं थी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते थे यहाँ पे हम एक दूसरी चीज कर सकते थे हम बस ये देखते पहले क्या आके बैठेगा फाइव ये बैठेगा सेवन यहाँ एट यहाँ एट और यहाँ पे एट ठीक है अब हमें थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो थर्ड हाईएस्ट में ऑब्वियसली बात है इन तीनों में से ही कोई एक होगा अब तीनों सेम है तो हमें एक और डिजिट लिखनी होगी एट के बाद क्या आएगा फोर इस एट के बाद सिक्स आएगा इस एट के बाद फोर आएगा ये नहीं मान रहे हैं मतलब पूरा ही लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे वन बचा है यहाँ पे थ्री बचा है और यहाँ पे टू बचा है सबसे बड़ा नंबर अगर मैं देखूँ तो ये है उससे छोटा ये है और फिर उससे छोटा ये है मतलब कि थर्ड हाइएस्ट ये है एट फोर्टी वन मतलब कौन सा नंबर बना वन फोर्टी एट से बना वन फोर्टी एट आंसर हो जाएगा समझ में आई चलो नेक्स्ट चलिए जल्दी करेंगे क्या बोल दिया पढ़ना शुरू करो थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर थर्ड लोएस्ट नंबर कौन सा होगा पहले सबसे लोएस्ट ढूंढो फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा वो हो गया थर्ड लोएस्ट तो थर्ड लोएस्ट को ढूंढने के लिए भी पहला डिजिट ही देखा जाएगा नंबर का सबसे लोएस्ट कौन भाई ये उससे बड़ा कौन भाई ये उससे बड़ा कौन भाई ये थ्री वाला वन वाला टू वाला फिर थ्री वाला मतलब ये इसका इन्होंने क्या बोला इसका थर्ड लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट चाहिए ये थर्ड डिजिट क्या है इसका तो सिक्स है फिर ये बोलते हैं उसे डिवाइड कर दो बाय द सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा सबसे बड़ा ये है फाइव से शुरू हो रहा है और फिर फोर है इसका सेकंड नंबर क्या है भाई टू है ये बोल रहे हैं इसको इससे डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा टू थ्री जा सिक्स थ्री आंसर हो जाएगा आंसर डी नेक्स्ट व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ हाईएस्ट नंबर विद लास्ट टू डिजिट्स ऑफ लोएस्ट नंबर हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है पढ़ लिया होगा हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है कौन सा है ये है इसकी लास्ट टू डिजिट्स क्या है थर्टी टू लोएस्ट नंबर की लास्ट टू डिजिट फोर्टी एट है इन्होंने बोला इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो थर्टी टू और फोर्टी एट का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए वन लाइन में आपको आता होगा मैथ्स का ही तो ये हो गया एट टू जो सिक्सटीन फिर एट या ट्वेंटी फोर फोर टू जी एट ट्वेंटी फोर और एट थर्टी टू थर्टी टू थर्टी थ्री फोर थ्री जो ट्वेल्व और ये फिफ्टीन वन फाइव थ्री सिक्स है क्या ऑप्शन ए नेक्स्ट द डिजिट्स इन ईच नंबर ये हो गया है ये भी हो गया है हाँ अब आते हैं हम वर्ड बेस्ड पे ठीक है चलिए देन रेट ई आर आउल और कब ये फिर से एक वर्ड बेस्ड आ गई है दूसरी अरेंजमेंट इफ ऑल द लेटर्स इंड ऑल अरेंज इन रिवर्सिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्मड यूजिंग फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्राम लेफ्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्राम राइट एंड और यहाँ पे आप अपना पेशेंस लेवल को खो देंगे आई कैन अंडरस्टैंड बट ये आपके एग्जाम में पी ओ में आएगा ना कि क्लर्क में एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्राम लेफ्ट एंड मैं ये बोलूँगी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं ब्रेक करते हैं इसको यदि सारे लेटर सभी वर्ड्स में अरेंज कर दिए जाए रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद इन द वर्ड मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब डी ई एन है तो ये क्या हो जाएगा एन ई डी सबसे बड़ा एन उससे छोटा ई e, उससे छोटा डी ऐसे सारे अगर अरेंज कर दे फिर ये बोलते हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग तो कौन से वर्ड बन सकते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड से जो पहला वर्ड है पीछे से पढ़ो लेफ्ट एंड से पहला वर्ड का पहला लेटर मतलब इस वाले वर्ड का पहला लेटर जो होगा सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट एंड राइट एंड से सेकेंड वर्ड का सेकेंड लेटर मतलब जो इधर आएगा एंड फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड लास्ट से पढ़ो लेफ्ट एंड से सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर लेफ्ट एंड से सेकेंड वर्ड ये है इसका फर्स्ट लेटर ये है मतलब आर आर नहीं होगा मतलब अभी चेंज होगा ये वाला अब इसमें आप क्या करेंगे आप जल्दी से लग जाएंगे अरे सबको चेंज करो पहले आ जाएगा एन ई डी फिर आपका आ जाएगा टी आर ए फिर आ जाएगा आर ई ए, ए ये नहीं करना है क्या करेंगे इंस्टेड विल डू थोड़ी सी ट्रिकी चीज अपनाएंगे क्या भाई हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है हमें पता है कि काम भाई एक दो तीन पे ही करना है है ना अगर इसे मैं चेंज करती हूँ तो सबसे पहले आके कौन बैठेगा तो ये एन बैठ जाएगा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है तो एन आ जाएगा मतलब कि एन डी ई ये वर्ड ये बनेगा अगर यहाँ देखो तो सबसे पहले कौन आके बैठेगा सबसे बड़ा कौन टी तो टी आर ए बन जाएगा ये मुझे बस टी चाहिए था यहाँ से मुझे एन चाहिए था और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डब्लू इधर जाएगा एल यहाँ आएगा सॉरी ओ इधर आएगा और एल यहाँ आएगा बड़े से छोटा बीच वाला चाहिए था ओ आ गया पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी हमें बस वो लेटर देखना था और ये सब माइंड में कर रहे होंगे हम तो हमें एन ओ टी नॉट मिल गया एन बोला मीनिंगफुल वर्ड बताइए इस लेटर से क्या बनेगा तो ये नॉट भी बनेगा और एक टन भी बनता है तो मोर देन वन बन जाएंगे ठीक है नॉट दिख रहा है तो नॉट को यहाँ पे सही कर देंगे चलिए नेक्स्ट If all the letters and all the words are arranged in alphabetical order within the word, then how many meaningful English words can be formed? Fatafat karenge ise. Wait. ठीक है? तो ये कैसे होगा ये वाला क्या बोला इन्होंने दे आर कि भाई अगर सभी लेटर्स को वर्ड्स में अरेंज कर दिया जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद इन द वर्ड वर्ड के अंदर ही ठीक है

ये बन जाएगा ये बन जाएगा सबसे पहले ए आएगा फिर आर आएगा फिर टी आएगा ठीक है तो ये बन जाएगा आर्ट ये भी मीनिंगफुल वर्ड है ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ए, ए, आर, ए, ए, ए आर इसका कोई मतलब नहीं होता तो ये तो नहीं बना इसका एल ओ डब्ल्यू बन जाएगा तो ये बन जाएगा लो लो मतलब आपको पता है, ये लो फील कर रहे हैं इसका भी ये मीनिंगफुल वर्ड बन गया और ये क्या बनेगा बी सी यू बकू तो ये कुछ नहीं बना तो यहाँ पे हमें कितने मीनिंगफुल वर्ड बने एक दो और ये तीन तीन मिल गए मतलब ऑप्शन डी ठीक है नेक्स्ट टाइम स्टार्ट ऑल द वर्ड्स आर एज पर डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन विच ऑर दू लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड ये जो मैं टाइमर दे रही हूँ ये बस क्वेश्चन पढ़ने के लिए दे रही हूँ कराऊंगी मैं ही अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं या फिर लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा मेहनत यहाँ पे आपको मेरी अच्छी लगी या नहीं लगी और जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीज़ लिखिएगा क्योंकि वो जो वर्ड्स होते हैं वो शब्द मुझे मोटिवेट करेंगे आगे और सेशनस लाने के लिए यदि सारे वर्ड अरेंज कर दिए जाए अब देखो इन्होंने पूरे वर्ड की बात की है डिक्शनरी ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट ये भी देख लेना लेफ्ट टू राइट अगर इन सभी शब्दों को मैं अरेंज कर दूं तो कौन सा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट एंड राइट एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड राइट एंड से पीछे से पढ़ना शुरू करो राइट एंड से सेकेंड वर्ड राइट एंड से सेकेंड वर्ड मतलब यहां इस वर्ड का तीसरा लेटर तीसरा लेटर ये एक दो छोड़ के तीसरा लेटर कौन सा होगा ये पूछा है अब क्या करेंगे इसमें यदि सभी वर्ड्स को अरेंज कर दिया जाए डिक्शनरी ऑर्डर में तो पहले तो भाई इन्हों इन्हें डिक्शनरी ऑर्डर uh, में वर्ड्स को अरेंज करना होगा पर हम ये गलती नहीं कर रहे होंगे कि हम पूरा लिख रहे हैं अरे नहीं करना है भाई ये हम हर चीज़ अलग तरीके से कर रहे हैं यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ हम बोलेंगे यार लेफ्ट टू राइट डिक्शनरी ऑर्डर में करना है मतलब इनमें अगर मैं देखूँ वर्ड में तो सबसे छोटा वर्ड सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा आएगा जिसका सबसे पहला अक्षर सबसे छोटा होगा मतलब वो हो गया हमारा कब ये आ जाएगा सबसे पहले यहाँ अब हमें पूछा तो इन्होंने आखिरी से दूसरा है मतलब ये वाला तो मैं बोलूँगी जब यार यहाँ से इन्होंने बोला है कि यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर है डिक्शनरी ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट तो अगर मैं पीछे से देखूँ तो क्या जा रहा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा होगा मतलब बड़े से छोटा तो डिक्शनरी के सबसे आखिरी में कौन सा वर्ड आएगा क्योंकि वहां से पास पड़ेगा फाइंड करना आखिरी में कौन सा शब्द आएगा जिसका पहला लेटर सबसे बड़ा जिसका पहला लेटर सबसे बड़ा वो यहाँ पे कौन सा है ये मतलब रैट आखिरी में आ जाएगा उसके बाद इससे छोटा कौन सा है तो इससे छोटा मुझे भाई ये ही दिखा मतलब ये अपनी जगह पे खुद आके बैठ जाएगा इसका तीसरा लेटर बोला था मतलब कि एल तो इन्होंने जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा एल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट टाइम स्टार्ट ऑल द वर्ड्स आर एज पर डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड डिक्शनरी ऑर्डर में अगर मैं रख दू इन्हें तो कितने लोगों की अनचेंज कितने वर्ड्स की अनचेंज रह जाएगी पोजीशन मतलब कि वो उसी पोजीशन पे आएंगे जिस पे पहले थे अगर मैं डिक्शनरी ऑर्डर में रखती हूँ सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सी यू वाला कब उसके बाद ये डी ई वाला इधर आ जाएगा डेन फिर ये ई वाला इधर ही आएगा डी के बाद ई आता है ठीक है फिर बचे कौन से एक हमारा ये आउल बचा है एक हमारा रैट बचा है आउल यहाँ आ जाएगा और रैट इधर आ जाएगा तो कितने लोग हैं जो सेम जगह पे आए एक तो ये ई आर आया सेम जगह पे और एक ये आउल आया सेम जगह पे है ना तो पूरा नहीं करना है जैसे मैं कर रही हूँ करके बता रही हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में करना है पूरा नहीं लिखते बैठना है आंसर क्या हो जाएगा दो ऑप्शन सी नेक्स्ट अभी आती है आपकी डिजिट और आ, आ, लेटर बेस सीरीज तो जल्दी से देखेंगे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द दे सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कितने नंबर्स हैं जिनके जस्ट बाद एक वॉवेल है वॉवेल है भाई या फिर ये देख लो कि वॉवेल के जस्ट पहले नंबर है तो वॉवेल के जस्ट पहले वॉवेल ढूंढने चली मैं वॉवेल के जस्ट पहले नंबर चाहिए वॉवेल के जस्ट पहले नंबर मिल गया वॉबल 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 के जस्ट पहले नंबर वॉबल वॉवल कहीं नहीं मिला मतलब दो हो गए दो हो गए मतलब ऑप्शन थ्री ठीक है चलो नेक्स्ट हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर इन द गिवन सीरीज कितने इवन नंबर्स हैं इस सीरीज में काउंट करना पड़ेगा तो यहाँ पे मुझे अब देखो ये ना बिना हाथ लगाए आपको काउंट करना है ऐसे ऐसे हाथ ऐसे नहीं करना है वहाँ पे तो आपको आदत ऐसी बनानी होगी कि आप स्क्रीन को देख रहे हैं और आप काउंट कर रहे हैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ ईवन नंबर्स तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं चार ईवन नंबर्स तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं चार ही है क्या आंसर वेरी गुड चार ही है नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट सिक्स टू द राइट ऑफ फिफ्टीन एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड अभी देखो ये हो गया वही राइट right के साथ राइट right. क्या होगा सिमिलर रेपल्स मतलब सिमिलर अगर है तो माइनस हो जाएंगे राइट right के साथ राइट right एंड मतलब माइनस कर दो तो फिफ्टीन क्या है आपका फिफ्टीन माइनस सिक्स किया कितना बचा नाइन्थ नाइन्थ एलिमेंट कहाँ से देखेंगे जो एंड दे रखा है मतलब राइट right एंड से नाइन्थ एलिमेंट राइट एंड से अगर आप नाइन्थ देखें तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका पाँच ये हो गया डब्लू पे आपका नाइन्थ ठीक है एक सेकेंड ये हो गया आपके पाँच हमें नाइन्थ फाइंड करना था तो ये छः सात आठ नौ डब्लू हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर और आप लोगों ने गलत किया है और मैं भी सोची यार गलत कैसे कर दिया बच्चों ने डब्लू विल बी द करेक्ट आंसर तो आंसर हो जाएगा डब्लू ऑप्शन वन नेक्स्ट अब बार बारी आती है हमने प्री के सारे टाइप्स कर लिए बस इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा प्री एग्ज़ाम में अब बारी आती है आपके मेंस एग्ज़ाम की तो मेंस एग्जाम में आपके पास स्टेप बेस्ड अल्फनमारिक सीरीज़ आजकल पूछी जा रही है तो अल्फामिक सीरीज़ स्टेप बेस्ड में कैसी होती है कुछ ऐसी दिखती है यह आपको एक अल्फनमैरिक सीरीज़ दे देंगे और यहाँ पे पहले बोलेंगे कि इस पर आप तीन स्टेप लगाइए स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री

सिम्बल्स आर प्लेस्ड इमेजिएटली दैन द सिंबल्स आर प्लेस इमेजिएटली राइट ऑफ एन इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वो वाले सिम्बल्स अगर ऐसे सिम्बल्स आपको मिलते हैं जिसके जस्ट आगे और नंबर और जिसके जस्ट पीछे कॉन्सोनेट दोनों होने चाहिए बोथ अगर ये मिलते हैं तो आप क्या करेंगे आप वो सिम्बल्स जो होंगे उन्हें एन के बाद में लिखना शुरू कर देंगे अब समझ में नहीं आया होगा फिर से देखो एन को ढूंढो एन ये है। है। है मतलब N, N के बाद, N का पे पे जो ना, आपको वो सिंबल्स रखने होंगे एन और क्यू के बीच में और वो सिंबल्स अपनी जगह से हट जाएंगे अब इसी के बाद आती है स्टेप टू हमेशा याद रखिएगा वो नीचे नोट भी देते हैं कि स्टेप टू जो होगी वो स्टेप वन से आएगी तभी बोला गया है स्टेप स्टेप मतलब एक चढ़े फिर उसकी हेल्प से फिर दूसरा फिर तीसरा जब तक एक नहीं स्टेप करेंगे तब तक दूसरे पे तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है तो आफ्टर कम्प्लीटिंग बाय अ नंबर तो पहले तो आप यहाँ पे सिंबल ढूंढिए जस्ट पहले सिंबल के जस्ट पहले सिंबल के पहले ऑड नंबर तो यहाँ पे एक तो ये आ गया ठीक है सिंबल के पहले और नंबर ये देखो ये भी आ गया सिंबल के पहले और नंबर सिंबल के पहले और नहीं है नहीं है नहीं है सिंबल सिंबल के पहले ऑड नंबर आ गया और सिंबल के पहले और नंबर नहीं है ये तो मिल गए लेकिन सिंबल के जस्ट पीछे कॉन्सोनेंट भी चाहिए तो देखो इसके पीछे कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट पता होगा ना आपको अल्फाबेटिकल जो सीरीज़ होती है उसमें ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं ए ई आई ओ यू वावल होते हैं तो यहाँ पे सिंबल के जस्ट पीछे कॉन्सोनेंट चाहिए सिंबल के जस्ट पीछे कॉन्सोनेंट है नहीं है मतलब ये वाला काउंट नहीं करेंगे सिंबल इसी सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट है हाँ है तो ये काउंट हो जाएगा मतलब एक ये वाला सिंबल और एक ये वाला सिंबल ये दोनों मतलब कि ऐट और डॉलर पहले ऐट है फिर डॉलर है तो ऐट और डॉलर को कहाँ घुसाने को कह रहे हैं ये बोल रहे हैं ये जो एन है ना एन एन के एन और क्यू के बीच में घुसा दो किसे ऐट को और इस डॉलर को अब उनकी जगह से हटा दो अब जो नई सीरीज बनी पूरी आपको लिखनी पड़ेगी जो नई सीरीज बनेगी उसमें आप क्या करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप इफ द लेटर्स आर इमीजिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर लिख लेना साइड में रफ शीट पे लेटर्स के जस्ट पहले अगर कोई नंबर आता है एंड इमिजिएटली फॉलोड बाय अनादर लेटर और लेटर के जस्ट पीछे अगर कोई लेटर आता है देन द लेटर्स आर प्लेज इमिजिएटली राइट ऑफ फाइव तो देखो किस लेटर के बारे में बात हो रही है इस वाले लेटर के बारे में तो वो जो लेटर होगा वो कहा आएगा फाइव के इमीजिएटली राइट में फाइव ढूंढो फाइव ढूंढो फाइव का है ये तो फाइव का राइट ये होगा मतलब फाइव, फाइव का राइट ये परसेंट से पहले फाइव के बाद यहां यहां पे रखा जाएगा किसे इन लेटर्स को समझ में आई बात अब ये ये वाली स्टेप मैंने क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेप मैंने यहां पे लिखी नहीं है लेकिन मैं भी आपको दिखाऊंगी तो ये जो फर्स्ट स्टेप होगी उसमें हम फाइव के जस्ट बाद देखो कौन से लेटर के जस्ट बाद लेटर लेटर के जस्ट बाद लेटर लेटर के जस्ट पहले नंबर जो नई सीरीज आएगी उसमें हम देख रहे होंगे ठीक है तो उसमें देखेंगे और फिर फाइव के राइट में बिठा देंगे और सारी सीरीज वैसी की वैसी उतर जाएगी अब स्टेप टू के बाद जो स्टेप थ्री पे क्या बात बोली है आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप वन इफ द डिजिट्स स्टेप टू इफ द डिजिट्स आर इमेजिटली प्रिस बाय अ लेटर अगर जो डिजिट हैं मतलब कि नंबर हैं उनके जस्ट पहले अगर एक लेटर आता है ये अभी तो ढाई लेटर के अगर जस्ट बाद लेटर और लेटर से जस्ट पहले अगर नंबर हमें ढूंढना है ये तो हमें सेकंड में किया था थर्ड में क्या होगा इफ द डिजिट्स आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर अगर जो डिजिट्स हैं मतलब कि नंबर के जस्ट पहले अगर कोई लेटर आता है एंड इमिजिएटली फॉलो आउट बाई अ सिम्बल एंड के बाद जो भी बात की है नंबर के बारे में की है हमें पता है सबसे पहले वाले के बारे में और इसके जस्ट पीछे अगर एक कोई सिम्बल आ जाए तो क्या होगा वो जो डिजिट होगी ना मतलब वो जो नंबर होगा ना वो रख दिया जाएगा इमिजिएटली राइट ऑफ एल एल के इमीजिएट राइट में एल जो भी हमारा स्टेप सेकेंड में जहाँ पे भी आएगा कुछ हमें दिख रहा होगा मैं यहाँ पे देख लेती हूँ एल 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 ये है एल का इमीजिएट राइट ये होगा एल और एन के बिल्कुल बीचों बीच वहाँ पे रख दिए जाएंगे वो वाले डिजिट्स वो भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है यहाँ ठीक है हाँ और असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर जो बचा हुआ है ये वैसे का वैसे ही उतार देंगे ठीक है लास्ट में ये बोलते हैं स्टेप थर्ड इज द फाइनल अरेंजमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फाइनल अरेंजमेंट अब हिंदी वालों के लिए ये स्क्रीन ले सकते हैं हिंदी वाले यही क्वेश्चन हिंदी में और अब आ जाइए थोड़ा सा क्योंकि अगर मैं एक एक लिखती तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाती तो मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे बनानी है वो पूरी स्टेप बेस्ड आप बना रहे होंगे और बहुत सच में बहुत ख़तरनाक काम है तो उसमें प्रैक्टिस बहुत करनी होगी आपको क्योंकि मेन से पहले अगर मेन्स में ये आता है तो पता है आपको बनाने में ही मतलब कि स्टेप वन में वो सेम कॉपी उतारने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा तो आपको स्पीड बहुत तेज़ी के साथ मतलब क्या आप पता है क्या करोगे जैसे आपने पढ़ी ना सीरीज़ ऊपर आप उसको जल्दी जैसे पांच पढ़े और पांच एकदम लिखे फिर पांच पढ़े फिर पांच एकदम लिखे ये करना होगा ठीक है चलिए अब इस पर क्वेश्चन पूछेंगे वो तीन या फिर पाँच हाउ अ वो वही बात कर दी इन्होंने देखा कितना घुमा फिरा के पूछा है अब पूछ रहे हैं कि मुझे लास्ट में जो आपकी सीरीज निकल के आई है ना उसमें बता दो इसके जस्ट इमिजिएटली ऐसे कितने हमारे आ, डिजिट्स हैं जिनके जस्ट आगे ये और जस्ट पीछे ये है ठीक है इसलिए मेन्स लेवल का क्वेश्चन है प्री में नहीं आएगा तो देखो आप हमारी सीरीज बनी कैसे तो मैंने सारा आपको पीपीटी थोड़ा इजी करने के लिए सारा पीपीटी में इंक्लूड कर दिया स्टेप वन में आपको बना के दिखा रही हूँ क्या होगी हमने यहाँ पे ढूंढे थे हमारे पास दो सिंबल आए थे है ना एक एट आया था एक डॉलर आया था है ना? हाँ। तो देखो पहला स्टेप इन्होंने क्या बोला था देवर सिंह पहले स्टेप में सिम्बल्स इमिजिएटली प्रोसीडेड सिंबल के जस्ट पहले नंबर और जस्ट बाद में कॉन्सोनेंट अगर आता है तो वो जो सिंबल होंगे वो एन के राइट में बैठ जाएंगे तो हमें दो सिंबल मिले थे और वो क्या थे एक तो ऐट और एक डॉलर मैंने स्टेप वन में बिठा दिया ऐट यहाँ डॉलर यहाँ ठीक है और सारी जो पूरी थी आपकी वो वैसी की वैसी एजेट उतार दी अब आगे ये थी हमारी स्टेप वन स्टेप वन लगा के मैंने ये रख दिया यहाँ पे आपका ये देखिए ये रख दिया दोनों सिंबल अब दूसरी स्टेप क्या बोलती है कि लेटर्स अगर अब इस वाली सीरीज में देखेंगे जो आपकी पहली स्टेप बनी है कि इसमें ऐसे कितने लेटर्स हैं जो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोव्ड बाय अनदर लेटर <coughs> लेटर के जस्ट पीछे लेटर और लेटर के जस्ट पहले नंबर यही बोला है एक तो ये वाला लेटर हो गया ऐसे ही लेटर के जस्ट पीछे लेटर और लेटर के जस्ट आगे नंबर एक ये लेटर हो गया आगे चले आप दो लेटर मैं एक साथ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और आगे कोई नहीं मिला तो मुझे दो लेटर यहाँ पे मिल गए हैं कौन से कौन से एक तो एच और एक एल अब इसे कैसे रखना है एल को पहले रखना है एच को पहले रखना है या फिर जिस ऑर्डर में दे रखे हैं वैसे रखना है वो देखते हैं इन्होंने आगे ये बोला देन द लेटर्स आर प्लेज इमीडिएटली राइट ऑफ फाइव इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे ये जो लेटर्स होंगे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसके राइट में आ जाएंगे फाइव के ये हमारी सीरीज थी इसी पे अप्लाई करना था फाइव ढूंढो यहाँ पे कहा है ये है इसके राइट में यहाँ लिखना था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो एल और एच में से पहले क्या आएगा आपका एच आएगा ठीक है आई ई एफ जी एच आई जे के एल फिर एल आएगा तो पहले एच और फिर एल किसके बाद फाइव के बाद <laughs> तो ये देखो पूरा एजेट उतारी हमने सीरीज लेकिन फाइव के जस्ट बाद एच और एल दोनों रख दिए और फिर जो बचा हुआ सारा है वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा ठीक है ये थोड़ी सी यहाँ पे ना गलत हो गई ये वाली सीरीज मैं अभी आपको लिख के बता दूंगी ठीक है थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है ये दूसरी सीरीज आ गई है इसमें ठीक है पर आपको ये समझ में आ गया आप बस इसे इतना देखिए आप बस इसे आप बस इसे इसमें इतना देखिए कि फाइव के जस्ट बाद एच एल आ गया ठीक है और ये सारी मत देखिए आप आगे फिर दूसरी सीरीज से हमारी एक लास्ट में भी सीरीज बनेगी थोड़ी सी यहां पे ना इन लोगों ने गलती कर दी है कोई बात नहीं मैं अभी बना देती हूँ आपको ठीक है चलो अब करते हैं अब दूसरा क्या बोल रहा था हमें दूसरा ये बोल रहा था कि लेटर्स इमिडिएटली प्रोसीडेड बाय तो हमें दो लेटर मिले थे एच एल तो मैं खुद बना के यहाँ पे लिख रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा देखिएगा ये सारा ही उतारूंगी हैश टू एच एच के राइट में क्या होना चाहिए तो एच के राइट सॉरी uh, फाइव uh, के राइट में हम लिखेंगे तो हमारा क्या आया था एच एल फाइव के राइट में आएगा ना मतलब एच यहाँ पे नहीं आएगा अब ठीक है तो एच यहाँ नहीं आएगा के रखेंगे डायरेक्ट फिर इसे पढ़ लेते हैं फिर फाइव आ गया अब फाइव के राइट में रखने को बोला तो एच रखेंगे एल रखेंगे ठीक है यहां पे रख दिया अब ये सारी चीज ऐसी कैसी चलेगी बस एल को मत लिखना एल ऑलरेडी लिख दिया जा चुका है परसेंट ई वन एल फिर एन एट डॉलर क्यू पर एल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए यहां से एल को हटा देंगे समझ में आ रही है बात सेवन एंड फोर पावर एट सिग्मा ये थोड़ा मुझे बनाने में इसको थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है कोई बात नहीं बना लेते हैं थ्री सी नाइनटी ठीक है हाँ ये हो गई आपके स्टेप टू अब स्टेप थर्ड क्या बोल रही थी गाइस स्टेप थर्ड वॉज सीन पीछे देख लेते हैं क्या कह रही थी स्टेप थर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप सेकेंड यदि डिजिट्स आर इमीजिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर डिजिट से जस्ट पहले लेटर और जस्ट बाद में सिंबल तो वो डिजिट्स रख दी जाएगी एल के राइट में असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स के जस्ट पहले लेटर और जस्ट बाद सिंबल क्या बोला उन्होंने उन्होंने बोला डिजिट के या फिर नंबर के जस्ट पहले लेटर और जस्ट बाद सिंबल यही फाइंड करना है तो ढूंढते हैं डिजिट के जस्ट पहले लेटर डिजिट के जस्ट पहले लेटर मिल गया पर सिंबल नहीं है डिजिट के बाद ठीक है तो आगे चलते हैं डिजिट के जस्ट पहले लेटर पर जस्ट पीछे सिंबल नहीं है आगे चलेंगे जस्ट पहले लेटर और जस्ट पीछे सिंबल भी मिल गया बात बन गई डिजिट 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 के जस्ट पहले लेटर नहीं है डिजिट के जस्ट पहले लेटर नहीं है जस्ट पहले लेटर नहीं है मतलब यहाँ पे मुझे मैं अभी ट्वेंटी फोर सेवन से लाइव हुई यहाँ पे मुझे बस अभी एक ही डिजिट मिली है ठीक तो है तो आई एम गेटिंग ओनली वन डिजिट ही जिसके जस्ट पहले लेटर है और जस्ट बाद में सिंबल है तो ये जो तो सेवन आएगा ये कहाँ आ जाएगा अब ये सेवन इन्होंने बोला है लास्ट में जो आपका ये देखो लास्ट में इन्होंने बोला है कि ये जो सिंबल है ये आपका एल के राइट में आ जाएगा तो आप एल ढूंढेंगे हाँ एल कहाँ है आपका अब स्टेप थ्री में क्या होगा स्टेप थ्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है ये पूरी की पूरी एजिट आप उतारेंगे यहाँ पे लेकिन एल के राइट में मतलब यहाँ की साइड क्या रख देंगे सेवन ज़रूर रखेंगे ठीक है और कोई भी चीज़ हो रही हो तो एक बार आप देख लेंगे इसे एक बार कंफर्म कर लेंगे स्टेप uh, थ्री अब आप खुद करेंगे ठीक है मैं एक और आगे चल रही हूँ अब और फिर इस पर आपका क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे चलिए आगे चलते हैं एक स्टेप ठीक है हाँ क्या करना है इसमें ये सेम ऐसी ही रहेगी हैश टू के फाइव एच पर एल के बाद सेवन आ जाएगा सेवन परसेंट ई वन एन एट डॉलर क्यू अभी ये सेवन नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं क्यू एंड फोर ए पावर एट फिर ये सिगमा थ्री सी नाइन टी आई होप आपको समझ में आ गया होगा राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है बट हाँ समझाने की जो कला है वो बहुत अच्छी है मेरी उसके लिए मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ अपने ऑफिस में तो तो यहाँ पे और आप लोग भी शायद मानते ही हैं तो इसलिए प्लीज़ आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें तो चलिए स्टार्ट आगे चलते हैं एक और करके देखते हैं क्यों भाई जल्दबाजी नहीं मचानी है मैं यहाँ पर एक घंटे का मैं नहीं आ जानी थी ठीक है आराम से जब लेके बैठे हैं तो फिर लेके बैठे हैं बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये एक सीरीज है इसमें भी वही काम आपको करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं काम करना

तो नंबर नंबर पहले तो एक साथ चाहिए तो नंबर नंबर पहले एक साथ ढूंढते हैं दो नंबर एक साथ और फिर उसके जस्ट पीछे नंबर के जस्ट पहले नंबर नंबर के जस्ट पहले नंबर नंबर के जस्ट पीछे लेटर लो मिल गया फाइव एक तो नंबर फाइव मिल गया फिर नंबर ढूंढो मैं तो ये बोलूंगी दो नंबर पहले एक साथ ढूंढो कहाँ दिख रहे हैं एकदम वो आपका आई कैचिंग होगा एकदम आप पकड़ लोगे दो नंबर एक साथ ये देखो ये मिल गए और कोई है क्या दो नंबर एक साथ नहीं और कोई तो नहीं दिख रहा है पर उन दो नंबर के बाद में एक लेटर होना चाहिए बट इस नंबर के बाद में लेटर नहीं है मतलब यहाँ नहीं बनी दाल नहीं गली तो हमें बस एक ही नंबर मिला दैट इज फाइव अब इस फाइव को कहाँ अरेंज करना होगा इस फाइव को यहां से उठा के हमें स्टेप वन में यहां रख देना होगा समझ में आई बात अब हमारी नई स्टेप ये बन गई अब स्टेप टू में क्या बोला इन्होंने अब क्या होगा अब ये स्टेप वन तो बन गई ना यदि ऑल द लेटर्स विच आर आईदर अब देखो आइदर लगाए यदि या तो ये या तो दूसरा वो सभी लेटर्स जिनके जस्ट पहले नंबर है या फिर ये सभी लेटर्स जिनके जस्ट पहले नंबर है या फिर बाय सिंबल या जिनके जस्ट पीछे सिंबल है बट नॉट बोथ पर दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए आर अरेंज बिटवीन टू एंड सिक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो टू और सिक्स के बिल्कुल बीच में आप रख दीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो कैसे होगा ये सबसे पहले लेटर ढूंढेंगे लेटर के जस्ट पीछे एक सिंबल चाहिए अब बताओ यहाँ पे लेटर के जस्ट पीछे सिंबल कहाँ मिल रहा है अब देखो यहां पे इन्होंने क्या बात बोली दे आर कि लेटर के जस्ट पीछे सिंबल हो या फिर लेटर के जस्ट पीछे नंबर हो लेकिन दोनों एक साथ ना हो तो दोनों को अलग ही लिख लेते हैं या फिर लेटर के जस्ट पहले नंबर हो दोनों नहीं होने चाहिए लेटर के जस्ट पीछे सिंबल लेटर के जस्ट पीछे सिंबल ये है ठीक है लेटर के जस्ट पीछे सिंबल है मिल गया अब आप बोलोगे मैम पर ये लेटर के जस्ट आगे नंबर दे रखा है मना करा था कि ये अगर है तो ये नहीं होगा लेकिन देखो यहाँ पे नंबर नहीं है ये वाली स्टेप अभी नहीं बनी थी ना हमारी तो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने ऑलरेडी ये रख दी है आपको अभी और अच्छे समझ में आ जाएगी चीज़ें तो पहली हमारी ये बनी हमने फाइव फाइव को लास्ट में जाके अरेंज कर दिया है ना यही करना था ना चलो आगे और क्या हुआ स्टेप टू में क्या किया हमने अब यहाँ पे हमने वो वाले इन्होंने क्या बोला था वो वाले लेटर ढूंढिए जिनके जस्ट पहले नंबर है तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लेटर जिनके जस्ट पहले नंबर है लेटर के जस्ट पहले नंबर ठीक है लेटर के जस्ट पहले नंबर लेटर 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 के जस्ट पहले नंबर यही सब मिले पर इनके जस्ट पीछे और अभी हमें एक और चीज ढूंढनी है कि लेटर के जस्ट पीछे सिंबल लेटर के जस्ट पीछे सिंबल ये है ठीक है लेटर के जस्ट पीछे सिंबल ये है फिर लेटर के जस्ट पीछे सिंबल ये है फिर लेटर के जस्ट पीछे सिंबल नहीं मिल रहा पर उन्होंने एक और बात कही बट नॉट बोथ एक साथ दोनों नहीं होने चाहिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये एक ऐसा लेटर है जिसके आगे नंबर भी आ गया पीछे सिंबल भी आ गया दोनों चीज एक साथ आ गए मतलब हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे तो किसे करेंगे Z को करेंगे V को करेंगे और U को करेंगे लेकिन उसे नहीं करेंगे Z, V, U क्या क्या आ गया Z आ गया U आ गया और आपका V आ गया इन्हें कहाँ अरेंज करना है इन्हें फाइव और सिक्स के आ, इन्हें टू और सिक्स के बीच में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो देखो अब क्या बना टू कहाँ है टू हमारी इस सीरीज में कहाँ था ये है टू और सिक्स के बीच में देखो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में U, V और Z, यू को रख दिया है ना अब ये स्टेप बन गई स्टेप टू स्टेप थ्री क्या कह रही थी स्टेप थ्री वो सेइंग वन इज एडेड टू ऑल द ऑड नंबर्स सभी ऑड नंबर्स अब ये जो भी स्टेप टू है इसके सभी ऑड नंबर में वन ऐड कर दो मतलब ये बन जाएगा आठ ये बन जाएगा चार ये बन जाएगा आपका दो और ये छः छः देखो यही बना दी हमने यही बोला था कर दिया एंड वन इज फ्रॉम ऑल नंबर्स में से वन गया तो ये वन बन जाएगा ये फाइव बन जाएगा ठीक है और यार ये टेन भी तो होता नाइन ये, ये हो का प्लस वन तो देखो ये सेम, सेम यहाँ पे बन गई आपकी स्टेप थ्री ठीक है अब स्टेप थ्री से स्टेप फोर कैसे आएगी स्टेप फोर के लिए ड्रॉप ऑल दिम्बल्स एंड प्राइम नंबर फ्रॉम दीरिज सब ड्रॉप कर दो सिंबल्स और प्राइम नंबर्स यहां पे सिंबल्स मतलब ये हटाओ ये हटाओ ये दोनों हटाओ ये सब और यहां से हम ये बोल रहे हैं कि आप सिंबल्स के साथ सारे नंबर्स भी सॉरी uh, सिंबल्स के साथ सारे प्राइम नंबर्स भी हटा दीजिए प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद की टेबल में आते हैं वन की टेबल में आते हैं तो सिंबल्स के साथ प्राइम नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर क्या हुआ एक तो वन हुआ इसे हटाओ सॉरी वन इज नॉट अ प्राइम नंबर गाइस वन इज नॉट अ प्राइम नंबर ठीक है तो so, यहाँ पे फाइव हटाएंगे टू हटाएंगे टू इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि टू खुद की टेबल में आता है वन की टेबल में आता है और 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 नन और, और, और कोई नहीं होगा तो अब देखो यहाँ पे यही लिखा है देखो एम एट क्यू पी फोर वन यू वी जेड वन जेड वन जीरो एंड सिक्स सिक्स सॉरी में आया आई होप आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आया होगा अल्फन मैरिक सीरीज़ इतना सब मैंने आपको बता दिया इसमें ठीक है हाँ तो चलिए ये वाला मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी इसी पे बेस्ड आपके चार से पांच क्वेश्चन होते हैं आई होप आपको अब आप समझ में आ जाएंगी चीज़ें और अब आप ये खुद कर लेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं ये वाला क्वेश्चन मैं ज़रूर चाहूंगी अगर आप बता सके तो बता देना कमेंट में वैसे ये ज़रूर बताना कि सेशन कैसा लगा क्या आपको और भी चैप्टर्स चाहते हैं कि मैं ऐसे वन शॉट लाऊं वैसे मैं डेली मैं हर वीक पे एवरी वीक मंडे में आपको रोज़ दोपहर दो बजे मिलूंगी हर एक चैप्टर के साथ अगर सेशन से आपको हेल्प मिल रही है तो ज़रूर बताइएगा मेरे लिए मोटिवेशन का एक जरिया होगा साथ ही साथ सेशन को जितने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइएगा जिससे कि हर वो व्यक्ति जो पेड क्लासेज अटेंड नहीं कर पा रहा है उस तक पूरा एक वन शॉट वीडियो जाए किसी भी एक टॉपिक का ऐसे ही करके मैं हर वीक पे आपके हर जब मंडे मैं आपको हर एक चैप्टर का पूरा वन शॉट वीडियो लाऊंगी इससे पहले मैं इनिक्वालिटीज़ करा चुकी हूँ आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मेरी बैंकर सड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको हर चीज़ समय पर मिल जाएगी इसी के साथ रोज़ रात बारह बजे सॉरी रोज दोपहर बारह बजे ठीक है ये मैं आपका इसका आंसर भी दे रही हूँ पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दी जाएगी रोज़ दोपहर 12 बजे मैं लेके आती हूँ रीजनिंग रील्स यहाँ पे हम स्पीड एक्यूरेसी पे काम कर रहे होते हैं फाइनली बेसिकली हम या, आ, मैं बेसिक बोलूँ या फाइनल बोलूँ दोनों चीज़ ही बोलूँगी फाइनली हमारा जो यहाँ पर मोटो रहता है दैट इज़ एक ही हमारा मोटिव है ट्रेन करने का हमारे ब्रेन को अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम अपने एग्जाम में हमें जो सेकंड्स में परफॉर्मेंस देनी है उन सेकंड्स में परफॉर्मेंस देने के लिए हम ये रील्स देख रहे होते हैं बजाय पूरा दिन आप घंटों इंस्टा पे बिताए या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिताते हुए रील्स के ज़माने में अगर आप इस रील्स को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ डायरेक्ट इसका परफॉर्मेंस का जो असर पड़ेगा डायरेक्ट इसका जो रिज़ल्ट दिखेगा वो आपके परफॉर्मेंस पर दिखेगा मॉक टेस्ट के परफॉर्मेंस भी दिखेगा और आपके एग्जाम जो होगा उस पर दिखेगा आज के लिए इतना ही मैं डेली बेसिस पे सुबह नौ बजे भी पढ़ाती हूँ पूरा मॉक प्रैक्टिस कराती हूँ मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप सोना शर्मा पे ज़रूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप सोना शर्मा रीजनिंग जैसे ही डालेंगे सेवन थाउजेंड प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं आर आर बी आई बी पी एस एस बी आई हर एक की तैयारी के लिए ज़रूर आइएगा थैंक यू अगर सेशन पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा जाते आते ज़रूर लाइक कीजिएगा थैंक यू बाय बाय टेक केयर आज के लिए इतना ही वन शॉट वीडियो में